Welcome to another episode of Data Star. If you haven't already subscribed to our channel, do it now so that you never miss an update on a new episode. Let's jump into today's episode of Data Star. Welcome everyone to another episode of Data Star. So glad to have you. So, आज हम ऐसी कंपनी को एक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आज उसका प्रोडक्ट आप डेली बेसेस पे, इफ नॉट डेली बेसेस पे, वीकली बेसेस पे जरूर यूज़ करते होंगे, एंड ये कंपनी है Ola. ओला ने ये जॉब पोस्ट की है ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट रोल एंड दिस जॉब इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर सो ये बैंगलोर बेस्ड जॉब है ओला का एक्चुअल नाम ए एन आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है बट मार्केट में इसे ओला के नाम से जाना जाता है सो नाउ वील एनालाइज दिस एंड वील सी की इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इससे आपको ये और पता लगेगा कि अलग अलग टॉप कंपनीज में अलग अलग डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिविजन हायर कर रहा है और क्या ऑब्जेक्टिव है क्या क्या रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होती है और आपको ये आइडिया इस वीडियो से लगे राइट सो नाउ लेट्स गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये रिक्वायरमेंट है नॉट ओला के लिए बट ओला फाइनेंशियल सर्विसेज सो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज मोस्ट लाइकली वो कस्टमर से पेमेंट लेते हैं वॉलेट है और उनका डिजिटल वॉट देव रिटर्न इज दैट यहाँ से ये न्यू लैंडिंग ऑल्टरनेटिव हैं टू बोथ ओला कस्टमर्स एंड टू बोथ कन्वेंशनल कस्टमर्स सो मे बी ये ओला uh, कस्टमर्स के लिए और हु नोस ये ओला ड्राइवर्स के लिए भी हो सकता है कि जिससे ये ड्राइवर्स uh, को uh, गाड़ियां खरीदने के लिए हेल्प करें सो so, ये बेसिकली द रोल इज फोकस्ड ऑन ओला फाइनेंशियल सर्विसेज सो एज एक्सपेक्टेड सिंस इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज सो रिक्वायरमेंट में वंस

लिखा है आर यू समन अंडरस्टैंडेसिज बैलेंसिंग एम एल एंडलटिक्स टू कंज्यूमर लैंडिंग राइट सो लव दिसेंस बैलेंसिंग द आर्ट एंड साइंस ऑफ अप्लाइंग एम एल एंड यू एच टू फॉर पुटिंग टू यूज योर स्किल्स इन अ डायनेमिक फास्ट स्पेस इनोवेटिव लैंडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज एड ऑफ द कव सो काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो डिस्क्राइब करती है स्टार्टअप माइंडसेट को विच इज डिड द डायलेमा ऑफ स्टार्टअप एटमोस्फेयर एट द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग आउट ऑन साउंड बैकिंग एंड ब्रांड स्टम्प यू टू चूज इन एडिक्वेटली राइट सो इन्होंने बेसिकली एक्साइट करने की कोशिश की है बिकॉज uh, ये टॉप uh, लोगों को हायर करते हैं सो so ये चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन पढ़ के कोई भी uh, जो टॉप टैलेंट है वो थोड़ा एक्साइट हो जाए uh, in so ये तो ये ही रोल को डिस्क्राइब किया सो so, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट रोल को डिस्क्राइब करते हैं डेटा साइंटिस्ट एंड ये है डिसीजन साइंस टीम के इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज uh, में डेटा साइंटिस्ट को डिसीशन साइंटिस्ट भी बोलते हैं तो इन्होंने लिखा है कि डिसीशन साइंस टीम है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज की एंड आपको यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे होंगे जो सीनियोरिटी लेवल दिया है वो मिड टू सीनियर है सो so आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आप बेसिक लेवल डेटा साइंस स्किल्स के साथ नहीं जा सकते हैं। आपको कुछ आइडिया होना और एक दो साल का एक्सपीरियंस होना इसमें जरूरी है और आप केवल बेसिक लेवल प्रोजेक्ट के साथ नहीं जा सकते हैं आपको कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए सो दिस इज नॉट एन एंट्री लेवल रोल एंड इफ यू इफ यू आर अ डेटा साइंस प्रोग्राम इमीडिएटली आपके आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए इस रोल के लिए बिकॉज आपका चांसेस सिलेक्शन uh, के थोड़ा कम है आपको आइडियली

आप देखोगे कि इसमें लिखा है एम एल और डीएल डीएलथम्स आपको केवल कॉन्सेप्चुअली पता नहीं होना चाहिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे की जा सकती है बिकॉज कॉन्सेप्चुअली तो सबको पता है बट ये अप्लाई कैसे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है ना इन्होंने एक और अच्छी चीज लिखी है कि आप को यहाँ पे सीखने को क्या मिलेगा डेटा साइंटिस्ट का सब डेटा साइंस रोल का सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपको सीखने को बहुत कुछ चीजें मिलती हैं एंड इन्होंने यहां पे यही लिखा है कि आप क्या सीख सकते हैं आप क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे कि जब आप लैंडिंग करते हैं तो अगर आप बीएफएसआई बैकग्राउंड से आपको ये सब चीजें पहले से पता होंगी सो इट में नथिंग न्यू बट इफ यू नॉट फ्रॉम बी एफ एस आई बैकग्राउंड आपको सीखने को जरूर मिलेगा साथ में इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ एम एल एलगोर्थन थ्रू फाइनेंशियल डोमेन कवर्ड दैट एडवांस एनलिटिक्स इन फास्ट पेज एंड न्यू जनरेशन बैंकिंग एनवायरमेंट राइट सो एक्साइटिंग रोल है ओवरऑल अच्छा लगा मुझे जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन दिया है राइट right? सो so, एक और चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है मुझे वो काफी significant लगी and यही आपका इंटरव्यू फोकस पॉइंट होगा मुझे लगता है ब्रिंग योर मॉडल टू प्रोडक्शन बाय यूटिलाइजिंग वेरियस डेटा साइंस टूल आपको केवल ये नहीं सोचना है कि बस मैं मशीन लर्निंग करूंगा बट आपको आइडिया से लेके डेटा एक्सट्रैक्शन से लेके रिसर्च से लेके पीओसी को प्रूव करके मैनेजमेंट को समझा के कि इससे ये फायदा होने वाला है आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप पूरा एंड टू एंड इसका रोल का एग्जीक्यूशन करें सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी और काफी इसमें आपको सीखने को मिलेगा मैं तो रेकमेंड करूंगा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है राइट सो अब देखिए कि इसमें की रिक्वायरमेंट क्या है so, सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इनकी कि तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बिल्डिंग लार्ज स्केल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स एंड सिस्टम सो ओला क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को सर्व करती है एक डेली बेसिस पे तो आपको आइडिया की जाती, की जाती तो so अच्छा दो साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, Now, ये लिखती है कि दो साल का होना चाहिए बट मेरा मानना यह है कि बहुत कम लोग होंगे की जिनमें तीन साल का एक्सपीरियंस हो लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम में और साथ में दो साल का डीप लर्निंग में भी हो राइट right? सो uh, so, और उसके बाद दस और रिक्वायरमेंट हो सो so, कंपनीज यूजुअली ये लिखती है कि ऐसा होना चाहिए बट व्हेन दे सी कि एक कैंडिडेट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है कि इस कैंडिडेट ने इस कंपनी के साथ लार्ज स्केल मशीन लर्निंग पे uh, काम किया है सो आई थिंक दैट इज गुड इनफ सो इवन इफ यू हैव वन और वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है विद डीप लर्निंग दैट्स गुड इनफ राइट थर्ड थिंग इज की सीक्वल सीक्वल तो आपका बेसिक है हर जॉब रोल में मैं डिस्क्राइब करता रहता हूँ सीक्वल आपको आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज सीक्वल आपकी हर रोल में आपको जरूरत पड़ेगी चौथी चीज आपको जो चाहिए इसमें लिखा है एक्सपर्ट लेवल एंड आर

कि आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या है ठीक है उसको फॉर्मुलेट करिए टेक्निकल प्रॉब्लम में और तब इसको बताइए कि डेटा साइंस प्रॉब्लम में कैसे इसको कन्वर्ट करना है और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा इंटरव्यू भी इसी के अराउंड सेंटर्ड हो सकता है योर एबिलिटी टू टू कन्वर्ट अ अ रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम लेट्स इन ओलास टेक्निकल प्रॉब्लम एंड देन टू अ डेटा साइंस प्रॉब्लम राइट एंड उन्होंने एक और चीज लिखी है सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स सो ये तो स्टैंडर्ड सी चीज है आपको ये बेसिक आनी चाहिए लीनियर एलजेब्रॉबल्टी एक्सेट्रा राइट सो ये इन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट लिखी है सो so, साथ में अब इन्होंने क्या किया है कि पूरी स्किल सेट uh, लिख दी हैं। वो almost repeat है वो ऑलमोस्ट रिपीट है वी हैव ऑलरेडी दिस अबव बट इन्होंने क्या किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ये इन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट लिखी है दैट आपको आप कंफर्टेबल होने चाहिए कि मैथ्स पार्ट से सो so, अगर आप ओला जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं ऊबर जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं और ज, ज, जो पूरी एप ड्रिवे एप का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट मैथ्स है उसमें राइट दैट्स द ऑनेस्ट आंसर आपको ये सब बेसिक मैथ तो आपको आनी चाहिए और इन्होंने काफी ये

टली सो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी टॉप टेक कंपनी में स्पेशली स्टार्टअप टाइप की कंपनी में uh, जब आप काम करते हैं तो ये आपका एन टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट आपको सभी जॉब में रहेगा एंड आपको आना भी चाहिए राइट right? सो so, ये एनालिसिस था हमारा ओला फाइनेंशियल सर्विसेज डिविजन हायर कर रहा है डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए एंड ये रोल बहुत ही अच्छा है आपको सीखने को बहुत मिलेगा बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका इंटरव्यू भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा आप बेसिक लेवल प्रोजेक्ट जैसे मैं डिस्कस करता हूँ कुछ और रोल्स में एंड की आप बेसिक लेवल आपके प्रोजेक्ट है आप जाइए और आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आपको अच्छी क्लैरिटी होनी जरूरी है और आपको इसमें मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में, में आपको एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है तभी आप अप्लाई करिए अदरवाइज आप जस्ट रैंडमली अप्लाई करेंगे चांसेस ऑफ यू गेटिंग रिजेक्टेड आर वेरी हाई सो सो दैट्स व्हाट आई वुड नॉट रिकमेंड ये था हमारा एनालिसिस डेटा साइंटिस्ट रोल एट ओला आप अपने को प्रिपेयर करिए अगर आपको इस तरह की कंपनी में अप्लाई करना है और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल करिए मानव अगेन फॉर एनी रोल दैट यू वॉन्ट टू बी कवर्ड एंड मैं जरूर उस पे एक एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं एक अगले एपिसोड पर